बात बड़ी खबर के साथ, बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया गया है। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष होंगे, निर्मला सीतारमण होंगी मैनिफेस्टो कमेटी की संयोजक, तो इसी के साथ ही पीयूष गोयल होंगे कमेटी के सह संयोजक। बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी में 24 सदस्य भी शामिल हैं। कमेटी में अध्यक्ष सहित कुल मिलाकर 27 नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें राजस्थान से वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव का नाम भी शामिल है, अर्जुन मेघवाल भी कमेटी में शामिल हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कमेटी का गठन किया है, मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। राजनाथ सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, निर्मला सीतारमण को मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इसी के साथ ही पीयूष गोयल कमेटी के सह संयोजक होंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी में 24 सदस्य भी शामिल किए गए हैं। कमेटी में अध्यक्ष समेत 27 नेताओं के नाम शामिल हैं। वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमेटी का गठन किया है। तो वही मैनिफेस्टो कमेटी जो जनता क्या चाहती है उनके विषय में ध्यान रखकर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, और उसके बाद वही प्रमुख तौर पर एक तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो को हमेशा से ही संकल्प पत्र का नाम दिया जाता रहा है, और इसी मैनिफेस्टो कमेटी के जरिए ही बाकायदा जनता के हित में कार्य करने के लिए, उनके वादों को पूरा करने के लिए संकल्प पार्टी की तरफ से लिया जाता रहा है। और इसी तरीके से ये मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है, और इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से लोगों की जो अपेक्षाएं हैं पार्टी से, जो सरकार से अपेक्षाएं रहती हैं, वो क्या चाहते हैं, उस पर ध्यान ये कमेटी देगी। और फिर मैनिफेस्टो जब जारी किया जाएगा तो प्रमुख तौर पर उसमें वो वादे होंगे जो जनता से जुड़े हुए होंगे, और इसलिए ये मैनिफेस्टो कमेटी बेहद महत्वपूर्ण है। वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव का नाम भी इसमें शामिल है, इसके साथ साथ अर्जुन मेघवाल का नाम भी इस सूची में शामिल है। ये सूची की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें वो नाम जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कमेटी का गठन किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि हमने जो वादे किए वो पूरे किए, लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर से वादों की बौछार होने वाली है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कोई अन्य दल, अपने अपने वादे सभी के, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताएगी आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जनता के हित में जो कार्य करेगा वही जनता के मन पर राज भी करेगा, इसलिए अलग अलग पार्टियों की तरफ से इसी तरीके से कमेटियों का गठन भी किया जाता रहा है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान होना, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये जरा समझाइएगा कि राजनाथ सिंह को मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष बनाना, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, पूरी तरह मैनिफेस्टो कमेटी पर इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से बीजेपी ने काम किया है जी। प्रत्येक जनमानस को टटोला गया है और जनता से पूछ के ही मैनिफेस्टो तैयार किया गया है जी। हर वर्ग के बीच में आपको ध्यान होगा दीपिका की जी। एक वाहन पहुंचा था एक रथ के रूप में, और फिर उसके उस रथ में एक पेटी रखी हुई थी, उस पेटी के अंदर सुझावों के जरिए सब अपने सुझाव उसके अंदर डाल सकते थे कि उनको किस तरह का मैनिफेस्टो चाहिए जी, किस तरह की उनकी अभिलाषाएं हैं भारत की प्रगति के संबंध में, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, छात्र हो, चाहे वो नव मतदाता हो, महिला हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो खासतौर से वो पीढ़ी जो रोजगार की तलाश में है, वो बेरोजगार हो, चाहे वो शिक्षित जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं वो हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, तमाम अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जाति के समूहों से और धर्म और संस्कृति से जुड़े लोगों से भी पूछा गया था। हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के रथ पहुंचे थे और सभी जगहों से मत जो पेटियां थी उनके अंदर सुझाव लिए गए, सुझाव पत्रक बीजेपी ने छपवाए थे जी। और एक तरह से कहा जाए तो एक विस्तृत मैनिफेस्टो बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था, जिसका मकसद ये था कि जनता से पूछ के जनता का मैनिफेस्टो तैयार किया जाए, घोषणा पत्र तैयार किया जाए, और उसे लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समर में उतरे और जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए अपनी घोषणा
जनता के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल योगेश जी, अगर राजस्थान के लिहाज से देखा जाए, वसुंधरा राजे का इसमें नाम शामिल है, अर्जुन मेघवाल का नाम शामिल है, हालांकि जहां तक हमें याद है कि विधानसभा चुनाव में भी अर्जुन मेघवाल को मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी दी गई थी, तो बेहतर तरीके से राजस्थान की जनता के हित में इस मैनिफेस्टो में नेशनल जो मुद्दे होते हैं वहां पर राजस्थान की जनता की बात रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ ही भूपेंद्र यादव का नाम भी इसमें शामिल है, तो इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या स्ट्रैटेजी इसमें नजर आती है मैनिफेस्टो में राजस्थान के लिहाज से? देख सकते हैं आप, अरविंद मेघवाल खुद ही देश के कानून मंत्री हैं, अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, और वो राजस्थान की विधानसभा में मैनिफेस्टो कमेटी के वो चेयरमैन थे, एक तरह से उनका दायित्व रहा। उसके बाद हम बात करें वसुंधरा राजे की, वो खुद इकोनॉमिक्स है, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने अब इकोनॉमिक्स से उन्होंने स्नातक किया, पढ़ाई की, और वो भी उन्होंने विदेश के सबसे महत्वपूर्ण जो कॉमर्स से जुड़ा जो विश्वविद्यालय वहां से जुड़ा उन्होंने पढ़ाई पूरी की, तो एक तरह से कहा जाए। और दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भूपेंद्र यादव खुद बहुत बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही वो केंद्रीय मंत्री है, तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह से जो पूरी कमेटी बनी गई है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कहा जा सकता है कि पूरा ये मैनिफेस्टो का जो निर्माण, कमेटी का निर्माण अपने आप में तर्कसंगत तरीके से कर दिया। योगेश जी, इस बार की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बताया भी कि अलग रणनीति पर पार्टी की तरफ से कार्य किया जा रहा है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, और इन नामों का हम जिक्र कर रहे थे, इनाम भी बेहद महत्वपूर्ण है, पूरी लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं जिन जिनका नाम इस सूची में शामिल है। खास बात यह है कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। पीयूष गोयल को कमेटी का सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी में कुल मिलाकर 24 सदस्य भी शामिल हैं। कमेटी की अध्यक्ष सहित अगर बात की जाए तो 27 नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। भूपेंद्र यादव, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल भी कमेटी के सदस्य हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इस कमेटी का गठन किया गया है, और जिस तरीके से योगेश जी समझा भी रहे थे कि एक नवाचार पार्टी की तरफ से किया गया, बाकायदा रथों को रवाना किया गया था, अलग अलग जगहों पर रथ पहुंचे थे, और वहां की जनता से अपील की गई थी, सभी से अपील की गई थी कि आप जो चाहते हैं वो एक पेपर पर लिखकर जो पेटियां थी उसमें आप डालिए, जिससे कि लोगों तक, लोगों की जो परेशानी है, लोग जो चाहते हैं वो पार्टी को बताया जा सके और उसके हिसाब से मैनिफेस्टो बनाया जा सके। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसे किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, राजनाथ सिंह के एक्सपीरियंस को हम समझते हैं राजनीति में, देश में जिस तरीके से कितनी बार राजनाथ सिंह एक अपनी बड़ी भूमिका में रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया, और जिसके हेड राजनाथ सिंह है, साथ में निर्मला सीतारमण है जो तमिलनाडु से है। आप देखिए कि किन किन राज्यों के नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, और उसके बाद उन सभी से राय मशवरा कर कुछ जो पूरा मैनिफेस्टो है वो तैयार किया जाएगा। साथ में पीयूष गोयल महाराष्ट्र से आते हैं, अर्जुन राम मुंडा झारखंड से, भूपेंद्र यादव राजस्थान से, अर्जुन मेघवाल राजस्थान से। आप इनकी कास्ट समीकरण को भी समझेंगे तो आप समझेंगे कि हर समाज के तबके के नेताओं को लिया गया है, जिससे ये समझ पाना आसान हो कि सब समाज का कैसे मैनिफेस्टो में शामिल किया गया। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव उड़ीसा, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा, गुजरात, असम, हेमंत शर्मा असम, विष्णुदेव साय, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ ये लंबी फेरिस जो है वो इसमें निकल कर आई है, जिसमें 27 नामों की सूची है। ये 27 वो लोग हैं जिसमें विनोद तावड़े भी हैं, राधा मोहनदास अग्रवाल उत्तर प्रदेश भी हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा भी हैं, और ओपी धनखड़ हरियाणा से भी हैं, तो अनिल एंटनी केरल से भी हैं, तो तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। ये 27 लोग की बैठक होगी और उसमें मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, साथ में संघ और साथ में जो जनता की तरफ से आए हुए जो शामिल किए जाते हैं, जो स्ट्रेटजी होती है वही इसमें दिखाई दे रहा है।
तो देखिए ये वो नाम है जो मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल किए गए हैं, और जिस तरीके से आपको हम जानकारी भी दे रहे हैं कि हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र, हर एक जाति को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े चेहरों को इस मैनिफेस्टो कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, और ये जो सदस्य हैं वो मैनिफेस्टो तैयार करने में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले हैं।